आज से लगभग 4700 ईयर्स पहले आज की पाकिस्तान में एक वेल एस्टैब्लिश सिटी का निर्माण हुआ था, जिसको हमारे सबकॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट या फिर ओल्डेस्ट सिटी माना जाता था और उसका नाम था हरप्पा। हरप्पा और मोहनजोदड़ो में एक एडवांस और वेल कंस्ट्रक्टेड सिस्टम देखा जाता है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या फिर फायर अल्टर्स स्टोन सेल और मेटल जैसे कि कॉपर गोल्ड और सिल्वर के वेपन्स ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, पहली बार कॉटन का यूज करना, बहुत सारे डिजाइंड ब्लैक पॉट्स, खेतीबाड़ी करना जैसे कि व्हीट्स बार्ली पल्सेस पीज राइस, ये सब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम सिस्टम। ये भी हरप्पा और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशेषत्व था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना वेल डेवलप वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल कंस्ट्रक्टेड सिटी आज से लगभग 3900 ईयर्स के पहले जनता शून्य या फिर लोक शून्य कैसे हो गया? तो आज का टॉपिक है द लास्ट स्टेज ऑफ हरप्पा। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक हरप्पा के लास्ट स्टेज में लोगों ने शहर में रहना बंद कर दिया, बाहर से रॉ मटेरियल का सप्लाई भी बंद हो गया था, लोगों ने रास्ते पर कूड़ा कचरा फेंकने लग गए थे, ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो गया था, वेल कंस्ट्रक्टेड घर के बदले लोअर क्वालिटी का घर बनाने लग गए थे, लोगों ने रोड पर ही घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि जब हरप्पा का लास्ट स्टेज था तब वहाँ में आसपास की सारी वाटर रिसोर्सेस में पानी खत्म हो गया था, ज़्यादा ईट और मेटल प्रोडक्ट बनाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करने की वजह से जंगल भी कट रहे थे, ग्रीन कवर यानी कि ग्रास खत्म हो गए, बेसिक नीड फुलफिल ना होने के चलते लोग नए और छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होने लगे। लेकिन इन सब में कोई भी रीजन एक्यूरेटली 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये सब एक एक वजह जरूर हैं हरप्पा का लास्ट स्टेज आने के लिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? होप ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देगा हरप्पा के विषय। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक फैक्ट के ट्यून के साथ।